नमस्कार दोस्तों, मैं रवि ठाकुर, आप देख रहे हैं टेक्निकल फ्रेंड यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे कि आप कैसे जो है वर्थ सर्टिफिकेट को, जन्म प्रमाण पत्र को ऑनलाइन बना सकते हैं अपने मोबाइल या लैपटॉप के थ्रू। घर बैठे कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनाने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको एक फॉर्म डाउनलोड करना है। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। दे सकते हैं, मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको ये फॉर्म दिख रहा होगा। इस फॉर्म को सबसे पहले आपको डाउनलोड कर लेना है। अपनी सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ इसमें फिल करना है, जेंडर फिल कर देना है, इसके बाद बच्चे का नाम, चाइल्ड का नाम, मदर का नाम, ये सभी डिटेल यहाँ पर दे सकते हैं। ये सारी डिटेल आपको जो अपनी पर्सनल डिटेल है इसको सही सही यहाँ पर फिल कर लेना है। इसके बाद आपको जो सेकंड डॉक्यूमेंट चाहिए वो डिक्लेरेशन है, यहाँ पर दे सकते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर। इसका भी डाउनलोड लिंक जो है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर दे दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसको भी आपको फिल कर लेना है। इसके बाद आपको एक आईडी प्रूफ चाहिए होगा। आईडी प्रूफ में आप पैन कार्ड लगा सकते हैं, आधार कार्ड लगा सकते हैं, वोटर कार्ड लगा सकते हैं, या ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हैं। चौथी चीज़ आपको जो है हॉस्पिटल का एक आपको सर्टिफिकेट चाहिए, जहाँ पर जो है बच्चा पैदा हुआ है। अगर बच्चा जो है हॉस्पिटल में पैदा नहीं हुआ है, घर में पैदा हुआ है, तब आपको जो है ग्राम पंचायत या सिटी काउंसलर, सांसद या विधायक या कोई MBBS डॉक्टर, उससे आपको जो एक प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। उसमें जो लिखा जाएगा, आपका नाम लिखा जाएगा, आपका एड्रेस क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ का, ये सभी जो लिखा जाएगा बच्चे की, जिसका भी आप जो है जिसका भी आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है उसके बारे में पूरी डिटेल लिखी जाएगी। और उसके बाद जो है जिससे आप बनवा रहे हैं वो अपनी मोहर और साइन कर देगा, और इसको आपको लेके आना है, यहाँ पर आपको अपलोड करना है। ये चार चीज़ें आपको चाहिए बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन बनाने के लिए। कैसे बनाना है ऑनलाइन, तो सबसे पहले आपको जो इस वेबसाइट पर आ जाना है, यहाँ पर दे सकते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये वेबसाइट ओपन है। इसका जो लिंक है, डायरेक्ट लिंक है, वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर मिल जाएगा। आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, इंटरनेट पर सीधे उस लिंक पर क्लिक कीजिए, आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। मोबाइल में खोलें तो मोबाइल में भी खुल जाएगी। आपको बस जो है क्रोम ब्राउजर में इस वेबसाइट को खोल लेना है मोबाइल में, अगर आप मोबाइल में भर रहे हैं तब, नहीं तो लैपटॉप में खोलेंगे तो लैपटॉप में आ जाएगी, पीसी में खोलेंगे तो पीसी में भी आ जाएगी। और यहाँ पर आने के बाद आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है अपना। तो नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण दे सकते हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको जो है क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह की डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ पर आप दे सकते हैं आपको सबसे पहले जो लॉग इन आईडी डालना है, जो भी आप जिस आईडी से जहाँ पर लॉग इन होना चाहते हैं वो आईडी यहाँ पर डाल सकते हैं, ETC आप कुछ भी डाल सकते हैं। इसके अलावा आपको जो आवेदक का नाम डालना है, जो भी आवेदक है उसका नाम डाल दीजिए, इसके बाद जन्मतिथि आप डाल दीजिए, लिंक डाल दीजिए यहाँ पर, और आवासीय पता, ये सब चीज़ आपको डिटेल भर के ना नीचे सुरक्षित करें पर आपको क्लिक कर देना है। और इतना करते ही आपका रजिस्ट्रेशन इस पर हो जाएगा, उसके बाद आपको लॉगिन होना है। तो चलिए उसमें मैं रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन होकर आपके आगे की प्रोसेस बताता हूँ। तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपके मोबाइल पर एक OTP आ जाएगा, और आपने जो भी यूजर नेम बनाया उसको यहाँ पर आपको डालना है। इसके बाद आपके जो फ़ोन जो आपने डाला उस पर एक OTP आएगा, तो उसको यहाँ पर आपको डालना है। इसके बाद एक कैप्चा दे सकते हैं, यहाँ पर आपको फिल करना है, सबमिट पर क्लिक करना है। इसके बाद आप अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे। इसके बाद आपको जो अपना एक पासवर्ड बनाना पड़ेगा, आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यूजर नेम आपका ऊपर लिखे आ रहा हो, नीचे देख सकते हैं आपके मोबाइल पर जो OTP आया है यहाँ पर आपको डाल देना है। नया पासवर्ड आपको बना लेना है, जो भी आप चाह रहे हैं। इसके बाद आपको पासवर्ड बदले पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर देख सकते हैं पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली, जो पासवर्ड है वो सक्सेसफुली चेंज हो गया है। और इसके बाद आपको जो नया पासवर्ड आपने बनाया उसके थ्रू यहाँ पर अब आपको जो है अपने अकाउंट में लॉगिन होना है। इसके बाद आप जो है अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पर आपको देख सकते हैं मैं अपने अकाउंट में लॉगिन हो चुका हूँ, और यहाँ पर लॉगिन होने के बाद आपको देख सकते हैं एक ऑप्शन दिख जाएगा आवेदन भरें, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है आवेदन भरे पर। और आवेदन भरे पर क्लिक करेंगे तो सेवा चुने, यहाँ पर देख सकते हैं नीचे आ गया सेवा चुने, तो यहाँ से आपको अपनी सेवा चुनने लाएँ, किस चीज़ के लिए आप यहाँ पर आए हैं, क्या चीज़ बनवाना चाहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे जो प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, आय हुआ, जन निवास हुआ, जाति हुआ, ये सभी प्रमाण पत्र यहाँ से आप बनवा सकते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आपको जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनाना है, बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन आपको कैसे बनाना है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा जन्म प्रमाण पत्र बनाएं, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं जन्म प्रमाण पत्र आवेदन के लिए क्लिक करें, तो यहाँ पर आपको फिर से क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने उसके बाद एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, ऊपर दे सकते हैं जन्म प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र। तो आपको इस फॉर्म को जो पूरा सही से भर लेना, दे सकते हैं मैं आपको बताता हूँ कैसे भरना है। यहाँ पर आपको जो अपना जो भी डिटेल डालना है वो हिंदी में डालना है इस साइड में, और इस साइड में आपको इंग्लिश में डालना है। और जैसे ही आप यहाँ पर लिखेंगे तो इंग्लिश में लिखा जाएगा, तो आपको हिंदी में लिखने में दिक्कत हो सकती है, उसके लिए मैं आपको बता दूंगा आपको कैसे यहाँ पर आपको जो हिंदी में सबको डालना है। तो यहाँ पर मैं दूसरा टैब खोल के बताता हूँ आपको।
तो यहाँ पर आप जो गूगल पे जाएंगे, गूगल पर सर्च करेंगे ट्रांसलेटर, गूगल ट्रांसलेटर मैं फ़िलहाल जहाँ पर मैं विंडो पर हूँ तो विंडो पर साइड पे यहाँ पर आ जाएगा। आप जो मोबाइल पर अगर चला रहे हैं तो मोबाइल पे जो है लिख दीजिए गूगल ट्रांसलेटर, तो वो निकल के आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ट्रांसलेटर ये गूगल का, तो उस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर ट्रांसलेटर खुल जाएगा। यहाँ पर आपको जो पहले नंबर देख सकते हैं बॉक्स आ रहा है, इस पर आपको हिंदी सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर आप कुछ भी सिलेक्ट कर लीजिए उससे मतलब नहीं, लेकिन यहाँ पर आपको हिंदी सिलेक्ट कर लेना। और उसके बाद जो है आप जहाँ पर देख सकते हैं आप पर जहाँ पर एक आ रहा होगा कीबोर्ड, उस पर आपको सिलेक्ट करना है इनपुट कीबोर्ड। तो उसके बाद आप जो कुछ भी जहाँ पर इंग्लिश में लिखेंगे ना, जो ऑटोमेटिकली जो है हिंदी में कन्वर्ट कर देगा। चलिए मैं अपना नाम लिखता हूँ रवि, रवि देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो इंग्लिश में अपना नाम लिखा रवि, तो हिंदी में हो गया है। इसको आपको कॉपी कर लेना है, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपको आ जाना है और यहाँ पर आपको जो है पेस्ट कर देना। देख सकते हैं यहाँ पर हिंदी में लिख गया है। तो इस तरह से आप जो पूरी डिटेल यहाँ पर आप भर सकते हैं, हिंदी में आपको भरना है इस साइड और इस साइड आपको जो है इंग्लिश में भरना है। तो यहाँ पर मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, इधर मैं रवि इंग्लिश में लिख दूंगा। इसी प्रकार आपको जो पूरा फॉर्म भर लेना है, पिता का नाम आपको हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में इधर लिख देना है। इसके बाद माता का नाम हिंदी में इधर और इंग्लिश में इधर आपको लिख देना है। जन्म तिथि यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है, छोटा सा कैलेंडर बन के आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप जो है जन्म तिथि जो है सिलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद यहाँ पर फिल हो जाएगी। और उसके बाद जो कह सकते हैं प्रार्थी का जन्म स्थान कौन सा, कहाँ पर वो पैदा हुआ था, जो भी आप जिसका प्रमाण पत्र बनाना चाह रहे हैं वो कहाँ पैदा हुआ था वो यहाँ पर आप चुन लेंगे। दे सकते हैं ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा, घर पर पैदा हुआ था, सरकारी हॉस्पिटल में पैदा हुआ था, निजी अस्पताल में पैदा हुआ था, या अन्य किसी में, तो यहाँ पर आप दे सकते हैं। इसके बाद अपना जो है नगर निकाय यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको जो प्रार्थी का पता है बिल्कुल सही यहाँ पर आपको डाल देना है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट में है वो यहाँ पर आपको पता डाल देना है। ये नागरिकता वगैरह यहाँ पर आपको ऑलरेडी सिलेक्ट मिलेगी, इसमें आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, भारतीय भारतीय लिखा हुआ दोनों तरफ। और मोबाइल नंबर आपको नीचे डाल देना है, पंजीकरण तिथि आपको डाल देना है। पंजीकरण तिथि क्या होगी, बहुत से लोग पूछते हैं पंजीकरण तिथि क्या होगी, तो पंजीकरण तिथि जो है आपका आपका जो जन्म तिथि है वही पंजीकरण तिथि होगी। तो यहाँ पर आपको जो जन्म तिथि है वही जो पंजीकरण तिथि में आप अपनी जन्म तिथि ही डाल दें, और कुछ नहीं डालना है। यहाँ पर आपको पंजीकरण स्थान आपको डाल दें जहाँ पैदा हुए हैं, वो स्थान यहाँ पर आप डाल दें। इसके बाद देख सकते हैं नीचे एक ऑप्शन आ रहा है, आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया है, तो इस पर आप जो है हाँ पर रहें, हाँ दे सकते हैं। यहाँ पर हाँ आ रहा तो हाँ आपको जो सिलेक्ट कर लेना, नहीं आपको सिलेक्ट नहीं करना क्योंकि आपको आगे जो पेमेंट करना है। और इसके बाद फाइनली आपको जो है कुछ यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है ये मैं शुरू में आपको वीडियो में बताया था, तो यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है एक एक करके। तो पहला दे सकते हैं डॉक्यूमेंट है हलफनामा, हलफनामा मतलब जो डिक्लेरेशन मैंने आपको बताया था शपथ पत्र, वो यहाँ पर आपको अपलोड कर लेना है। हलफनामा आपको डाउनलोड करना है, सबसे पहले वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर आपको मिल जाएगा, उससे जो डाउनलोड कर लेना है और यहाँ पर भर कर जो अपलोड कर देना है। यहाँ पर हलफनामा क्लिक करेंगे, चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे और अपलोड पर क्लिक कर देंगे, अपलोड हो जाएगा। और इसके बाद आपको जो है सेकेंड डॉक्यूमेंट अपलोड करना है पंजीकरण स्लिप। जो पंजीकरण स्लिप क्या होगी, अगर आप हॉस्पिटल में पैदा हो तो वहाँ पर जो हॉस्पिटल द्वारा आपको एक स्लिप दी गई होगी कि आपका पता ये, आपका नाम ये, डेट ऑफ बर्थ ये, आप यहाँ पैदा हुए, सब चीज़ लिखा होगा, और उस पर जो है डॉक्टर वगैरह की जो हॉस्पिटल है वहाँ की मोल लगी होगी, तो वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। अगर आप जो घर पर पैदा हुए हैं तो आपको मैं वीडियो को शुरू में बताया था कि आपको कैसे बनाना है, अपने जो ग्राम पंचायत है प्रधान है उनसे आप लिखवा सकते हैं, नहीं तो आप जो है सांसद या विधायक से लिखवा सकते हैं। इसके अलावा आप जो कोई भी MBBS डॉक्टर से लिखवा सकते हैं, वो अपने साइन वगैरह करके आपका जो नाम नाम पता डेट ऑफ बर्थ ये सब चीज़ लिख के उस पर साइन कर देगा, और उसी चीज़ को यहाँ पर आपको जो अपलोड कर देना है। इसके बाद आपको तीसरा जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करना अन्य लिखा रहा है, तो यहाँ पर आप जो अपनी आइडेंटिटी जो है जैसे पैन कार्ड हुआ, आधार कार्ड हुआ, वोटर कार्ड हुआ, ड्राइविंग लाइसेंस हुआ, ये अपलोड कर सकती हैं। ये तीन डॉक्यूमेंट आपको अपलोड कर देना है और उसके बाद आपको जो है दर्ज करें पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप दर्ज करें पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह की डिस्प्ले हो जाएगी, आपने जो भी भरा वो आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको जो अपना चेक कर लेना है सब कुछ आपने जो भरा है, और आपको आवेदन संख्या भी मिल जाएगी। दे सकते हैं ऊपर एक आवेदन संख्या आपको दिख रही होगी, ये जो है आपकी आवेदन संख्या होगी, उसको आपको कहीं लिख लेना है या प्रिंट ले लेना है इसका। इसके बाद आप जैसे नीचे आएंगे तो आपने जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड किए हैं वो आपको दिखाई दे रहा होगा, आपने आधार कार्ड अपलोड किया है, पंजीकरण अपलोड किया, आपने अपलोड किया, ये तीनों चीज़ यहाँ पर आपको दिख रही होगी। सभी जानकारी आपकी सही है तो यहाँ पर आपको जो नीचे दे सकते हैं सेवा शुल्क भुगतान के लिए यहाँ क्लिक करें। अब आपको जो अब पेमेंट करना है तो पेमेंट करने के लिए यहाँ पर दे सकते हैं आपको क्लिक कर देना है सेवा शुल्क पर, और सेवा शुल्क पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की डिस्प्ले होगी। यहाँ पर आप दे सकते हैं आपको पेमेंट करना होगा, मात्र 10 रुपये का आपको पेमेंट करना है।
और आप जो अपना पेमेंट जो ऑनलाइन कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, इसी के थ्रू जो है यहाँ पर आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। और जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे ना, उसके बाद जो है ये आपका जो सर्टिफिकेट बन जाएगा। तो पेमेंट करके जो है आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। उसके बाद जो है आप अपने फॉर्म के जो स्टेटस भी दे सकते हैं, क्या उस पर प्रोसेस चल रही, कितना क्या हो रहा है, ये सब चीज़ यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। दे सकते हैं, ऊपर लिखे आ रहा है आवेदन की सूची, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके द्वारा जितने भी आवेदन किए गए हैं यहाँ पर वो सारे आवेदन निकल जाएंगे। उस पर क्लिक करके आप सीधा जो है उनका स्टेटस दे सकते हैं कि क्या प्रोसेस चल रही है उन पर। इसके अलावा अभी तक आपने जो भुगतान नहीं किया, केवल फॉर्म को यहाँ पर सबमिट कर दिया है, तो यहाँ पर दे सकते हैं सेवा शुल्क भुगतान। तो यहाँ पर क्लिक करके आप जो है भुगतान भी कर सकते हैं डायरेक्ट अपनी एप्लीकेशन का, जो भी आपने आवेदन किया है। अगर आप करना चाह रहे हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं तो कोई बात नहीं दोस्तों, यहाँ पर आप जो अपने आवेदन की सूची, इसका स्टेटस देख सकते हैं कि क्या प्रोसेस चल रही है। तो इस तरह से जो है ऑनलाइन जो है बर्थ सर्टिफिकेट आप बना सकते हैं घर बैठे अपने लैपटॉप या मोबाइल के थ्रू, कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। और दोस्तों वीडियो पसंद आई उसे लाइक जरूर करना, साथ ही साथ आपके मन में कोई भी सवाल है जन्म प्रमाण पत्र को लेकर तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।